वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बी एच सेकंड ईयर की जो आपकी बुक है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट पेपर फोर ए उसकी यूनिट वन का पार्ट वन और इस वीडियो के अंदर अभी हम सिर्फ समझेंगे कि भाई डिसिप्लिन और सब्जेक्ट है क्या क्योंकि पूरी बुक किसके बारे में है डिसिप्लिन और सब्जेक्ट के बारे में तो भाई इस वीडियो के अंदर भी हम कुछ इसी तरह का डिस्कस करने वाले हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन एकेडमिक डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या उसका नेचर होता है समझने की कोशिश करते हैं शुरुआत करते हैं डिसिप्लिन से आपने बहुत बार ये डिसिप्लिन वर्ड को सुना होगा मतलब डिसिप्लिन में रहो आपको वैल्यू नहीं है क्या इस चीज़ की मतलब डिसप्लिन है क्या आपसे सब क्लास में कहते हैं ना मैम बोलती हैं क्लास में आप भी वो अगर आप टीचिंग में हैं तो आप क्लास में बोलते होंगे जाके मेंटेन द डिसिप्लिन क्या है ये डिसिप्लिन जिसे मेंटेन करना है बच्चों को भाई डिफाइन तो कर दो तो डिफाइन कर देते हैं द टर्म डिसिप्लिन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द लेटन वर्ड डिसिप्लस एक लेटन वर्ड डिसिप्लस से ये ऑरिजिनेट हुआ है जिसका कि मतलब होता है लोग बच्चे प्यपल मतलब बच्चे प्यूबल यहाँ वो पीपल नहीं है पीपल और प्यूबल अलग चीज़ें एक बार कमेंट भी आया था मैम आपने पीपल के पीपल की जगह प्यूपल लिख दिया है बट प्यूबल मीन्स होता है स्टूडेंट्स ठीक है एंड डिसिप्लिना जिसका मतलब होता है टीचिंग आप बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं आप बच्चों को अपने रूल्स uh, के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं तो उसे डिसिप्लिन कहते हैं यानी कि इट मीन्स ट्रेनिंग सम वन टू फॉलो अ रिग्रस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप चाहते हैं कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वही इंस्ट्रक्शंस बच्चे फॉलो करें अगर वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते देन यू से दैट दे आर नॉट फॉलोइंग द डिसिप्लिन दे आर नॉट इन डिसिप्लिन है हाँ ना दिस इज द मोस्ट इनडिसिप्लिन क्लास एवर ऐसा ही बोल के जाती है ना क्लास टेंथ ए में आके बोलें कि टेंथ भी मोस्ट डिसिप्लिन क्लास है आपकी क्लास तो मतलब बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन है हम भी ऐसे ही बोलते हैं टीचर्स भी हमको ऐसे ही बोलकर जाती थी चला चलाया आ रहा है सदियों से सो so, वो डिसिप्लिन है क्या जब हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे uh, क्या कहते हैं उसको कटपुतलियों की तरह नाचें हमारे इशारों पर सो द पॉइंट इज जब हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बच्चे फॉलो करें और ये हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है ये सोशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं जिनको बच्चों को फॉलो करना है बट ऑल्सो सिर्फ उनको फॉलो करवाना ही नहीं बट ऑल्सो पनिशिंग दैम एंड एनफोर्सिंग ओबिडेंस कि मतलब वो आपकी रिस्पेक्ट करें बड़ों की रिस्पेक्ट करें हम उनसे ये सब चीज़ें चाहते हैं और वो चीज़ जो उनसे ये चाह रहे हैं चाहे वो बड़ों का रिस्पेक्ट हो आ, या फिर वो आ, क्लास में एक पोलाइट तरीके से बोलने का तरीका हो मतलब हर चीज़ जो भी एक समाज में रहने के लिए मतलब जो आपका बिहेवियर होता है आप कह सकते हैं कि आप अपने असली रूप को आप कंट्रोल करके रखते हैं ना समाज के सामने आप अलग हैं बिल्कुल अलग है समाज के सामने जो आप घर में हैं वो आप सबके सामने नहीं होते तो आप सबके सामने डिसिप्लिन के अंदर होते हो सो so, एक तरह से इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल रिफ्लेक्टेड इन पब्लिक एक्शन पब्लिक एक्शन यानी बाहरी एक्शंस में जो हमारा सेल्फ कंट्रोल दिखाई पड़ता है दैट इज़ डिसिप्लिन और एडुकेशन में बात करें तो इट इज़ मैनेजमेंट रूल एडुकेशन प्रैक्टिस टीचिंग एंड ट्रेन्ड कंडीशन आपकी ट्रेनिंग की क्या कंडीशन है आपके कौन से रूल्स फॉलो करा रहे हैं एजुकेशन प्रैक्टिस किस तरह की हो रही है दैट ऑल कम्स अंडर डिसिप्लिन ठीक है ये वर्ड हमने काफ़ी बार सुना है बट अगर मैं बात करूँ एकेडमिक डिसिप्लिन की तो वो इससे थोड़ा सा अलग है उसका मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे और पहले लेकिन हम डिसिप्लिन के कुछ प्रकार समझ लेते हैं अब जो टीचर्स होती है ना वो काफ़ी तरह की होती है एक टीचर होती है आपने कई टीचर्स से पढ़ा है आप लोग बी करने आ गए हैं तो आप ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं आप स्कूल में भी पढ़ आए हुए हैं सो यू हैव मेट सेवरल ऑफ टीचर्स और अब आप टीचर बन गए हैं तो आप अपने स्टाफ मेम्बर्स सम ऑफ यू आर ऑलरेडी टीचर्स और कुछ टीचर्स बनने जा रहे हैं तो आप अपने स्टाफ में भी काफ़ी तरह के टीचर्स से मिलेंगे और आप भी इन तीनों में से कोई एक होंगे अब ये टीचर्स अलग अलग तरीके के कैसे होते हैं एक टीचर होता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अपने रूल्स रेगुलेशंस अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों के सामने रख देते हैं कि भाई मेरी क्लास में मुझे बिल्कुल भी शोर पसंद नहीं है अपने सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शन अपनी सेट ऑफ़ इमेजिनेशन एक्सपेक्टेशंस, सब चीज़ बच्चों के आगे क्लियर है और मेरा क्लास में मेरी क्लास में अगर बच्चों का होमवर्क टाइम पर नहीं आता तो वो भी मुझे पसंद नहीं है ठीक है तो आपने एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट दे दी बच्चों के आगे वो होते हैं प्रिवेंटिव टीचर वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर तो आप इलाज नहीं कर रहे हैं आप पहले प्रिवेंशन बता रहे हैं उनको आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है इन इन चीज़ों से आप मुझे गु़स्सा दिला सकते हैं और अगर आपने मुझे गुस्सा दिलाया तो आपकी खैर नहीं सो प्रिवेंटिव टीचर्स वो टीचर्स होंगे या कहें प्रिवेंटिव डिसिप्लिन वो डिसिप्लिन होगा जिसके अंदर आप पहले से वार्निंग दे दें अपनी एक्सपेक्टेशंस बता दें अपनी गाइडलाइंस लिख दें फिर आते हैं सपोर्टिव टीचर अब आपके दो तरह के टीचर होते हैं लाइक like, मैं अपनी बात करूं तो मेरे मैंने मैंने एक और वीडियो में भी बताया था अपने हिंदी और संस्कृत के सिक्स क्लास के टीचर के बारे में गुलाया स्कूल में ठीक है तो वहाँ पर वो जो टीचर्स थे वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं वो एकदम करेक्टिव टीचर्स थे करेक्टिव भी समझेंगे क्या है आपने काम नहीं किया तो आपको स्केल पढ़ना ही पड़ना है कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी लेकिन मैं किस टाइप के टीचर्स में से हूँ अगर किसी बच्चे ने काम नहीं किया तो मैं उन्हें डराने की कोशिश करती हूँ आई ऑलवेज गिव वार्निंग्स टू देम अभी भी नहीं किया नेक्स्ट टाइम नहीं किया तो ये हो जाएगा नेक्स्ट टाइम नहीं किया तो वो हो जाएगा वर्बल वार्निंग्स एंड दैट्स इट बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाए तो मैं कुछ करती हूँ अदरवाइज़ आई एम अ सपोर्टिव टीचर ना इधर आई एम अ प्रिवेंटिव वन नॉर करेक्टिव वन मैं पहले से अपनी चीज़ें भी सेट नहीं करती बच्चों को खुद ही समझनी होती है मेरी चीज़ें और मैं वर्बल वार्निंग्स देती रहती हूँ अपने बिहेवियर सही कर लो वरना ये हो जाएगा वरना वो हो जाएगा वरना फलाना एंड ढिकाना सो दिस इज काइंड ऑफ सपोर्टिव डिसिप्लिन और फिर आता है करेक्टिव डिसिप्लिन जो सपोर्ट नहीं करते कुछ गलती की सीधा कॉन्सिक्वेंस देखो आपने गलती की तो भैया कॉन्सिक्वेंस आपको ही फेस करना पड़ेगा तो भाई पनिशमेंट सामने है आपके हाजिर दीज आर द थ्री काइंड ऑफ डिसिप्लिन एक जहां आपको पहले ही बता दिया जाए एक आपको जहां पर वार्निंग दी जाए और एक आपको जहाँ पर कुछ ना वार्निंग दी गई ना पहले बताया गया अब तो भैया आप कॉन्सिक्वेंस देखो और उसी से समझो अगली बार मत रिपीट करना बस है ना सो दीज आर द काइंड ऑफ डिसिप्लिन बट वेन वी टॉक अबाउट अकेडमिक डिसिप्लिन तो अकेडमिक डिसिप्लिन इन जैसा कुछ भी नहीं है एकेडमिक डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट रिसर्च ऑल अबाउट किसी भी चीज़ में एकदम घुस जाना टॉपिक के अंदर सो इट इज़ अ फील्ड और अ ब्रांच ऑफ लर्निंग एक लर्निंग की ब्रांच है अकेडमिक डिसिप्लिन जिसके अंदर आप अकेडमिक विद एन अकेडमिक डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर्मुलेटेड फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च देखिए मैं सिंपल सी बात बताती हूँ जब हम किसी सब्जेक्ट पर एक होता है कि हाँ हमें सब्जेक्ट आता है उसके उस पर हमारी कमांड है एक होता है हम उस सब्जेक्ट को इतना डीप पढ़ चुके हैं कि हम उसके रिसर्च में जा सकते हैं अगर हम स्कूल लेवल तक की बात करें अप टू ट्वेल्थ एक बच्चा पढ़ने के बाद किसी भी सब्जेक्ट को डिटेल में नहीं जानता है वो हर सब्जेक्ट को थोड़ा 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 जानता है लेकिन जब हम किसी एक ही चीज पर फुल ऑन रिसर्च करने को चलते हैं उसके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं रिसर्च में जानने की कोशिश करते हैं दैट इज़ एकेडमिक डिसिप्लिन एक लर्निंग है जिसके अंदर हम एक वाइडर ब्रांच की बात करते हैं ब्रॉड एरिया की बात करते हैं उसको हम एकेडमिक डिसिप्लिन कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिसिप्लिन का अपना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है रिसर्च का उसी ऑब्जेक्ट में बिल्कुल डिटेल डेप्थ तक हमको जाना रहता है और ये यूनिवर्सिटीज़ में है ऑब्वियसली स्कूल तक बच्चा कभी भी एक ही चीज़ को डेप्थ में नहीं पढ़ सकता उसको हर चीज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करनी रहती है और टीचर्स भी इस चीज़ में मतलब कन्फाइंड होते हैं कि वो उससे बाहर ना जाए क्योंकि अगर वो टाइम पीरियड में अपना सिलेबस पूरा नहीं करवा पाएंगे देन दे हैव अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन देम पेरेंट्स बर्डन स्टाफ बर्डन प्रिंसिपल बर्डन मतलब बहुत कुछ तो टीचर्स भी उस चीज़ में कन्फाइंड हैं बच्चे भी उस चीज़ में कन्फाइंड हैं तो स्कूल लेवल पर हम एकेडमिक डिसिप्लिन की बात कर ही नहीं सकते इट कम्स एंड ऑन यूनिवर्सिटी लेवल देन बॉडी ऑफ एक्यूमुलेटेड स्पेशल नॉलेज यहाँ पर एक स्पेशल नॉलेज बच्चा ग्रास्प कर रहा होता है किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानना इज कॉल्ड एकेडमिक डिसिप्लिन एंड उसकी खुद की थ्योरीज और खुद के कंसेप्ट होते हैं हर डिसिप्लिन के अपने खुद के कंसेप्ट होते हैं यहाँ पर डिसिप्लिन से समझिए ह्यूमैनिटीज़ एक डिसिप्लिन है ह्यूमैनिटीज़ के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं बट ह्यूमैनिटीज़ इज़ अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन जिसके अंदर आप ह्यूमेिटीज़ uh, में आप क्या क्या पढ़ लेंगे आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं आप जोग्राफी पढ़ सकते हैं आप सिविक्स पढ़ सकते हैं दैट ऑल कम्स अंडर ह्यूमैनिटीज़ दोज आर द सब्जेक्ट बट मेन ह्यूमानिटीज इज योर डिसिप्लिन क्लियर उसके बाद उनकी अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती है जैसे मैथ भी एक डिसिप्लिन है और मैथ की अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं आपने हाँ हर तरह की मात पढ़ी लाइक मैं एम की बात करूँ तो मैंने मास्टर्स में काफ़ी सारी मात करी है ऑप्शक तिलजब्रा एनालिटिक नंबर थ्योरी नॉर्मल नंबर थ्योरी टॉपोलॉजी डोंट नो कितनी लेकिन उन सब में से किसी एक में भी मेरे को डेप्थ नॉलेज नहीं है डेप्थ नॉलेज से मतलब जिसमें मैं रिसर्च में जा सकूँ सो दैट पॉइंट विच कम्स ऑन द यूनिवर्सिटी लेवल मैं मास्टर्स की भी इवन बात कर रही हूँ मैंने वहाँ पर भी उन चीज़ों को डेप्थ में नहीं पढ़ा है वहाँ पर भी मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है बट होना कुछ और चाहिए एटलीस्ट मास्टर्स में एटलीस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पर हमें चीज़ों को इन डेप्थ किसी एक चीज़ को पढ़ना चाहिए तभी हम रिसर्च में जा सकते हैं सो वेन समूज पी एच डी तो वो यही कर रहे होते हैं दे हैव स्पेशल रिसर्च मैथड अब हर एक डिसिप्लिन का अपना एक रिसर्च मैथड होता है लाइक साइंस है्यूमैनिटीज हैिफरेंट रिसर्च मैथड्स क्लियर नेचर की बात करें अगर डिसिप्लिन की तो सभी डिसिप्लिन बिल्कुल सेम करटरिस्टिक्स के नहीं हो सकते हर डिसिप्लिन एक दूसरे से अलग होता है ऑल दो एक डिसिप्लिन दूसरा डिसिप्लिन में काम आ सकता है बट दे आर ऑल डिफरेंट फंड मतलब उनके जो करेक्टरस्टिक हैं वो डिफरेंट होंगे अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें इट हैज द प्रॉब्लम दैट इट लैक्स लैक्सरोटिकल चीज़ें उसके अंदर कम होती ठीक है उसके कोई डेफिनेट ऑब्जेक्ट नहीं है कोई रिसर्च का इट कंटेन्स ग्रामर इट कंटेन्स लिटरेचर तो मतलब अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ इट डजेंट एनी टॉपिक तो मैंने क्या कहा कि भैया हर डिसिप्लिन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर चलता है जबकि अगर वहीं हम मैथमेटिक्स की बात करें तो वो इंग्लिश से बिल्कुल अलग है इंग्लिश इज ए लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज समथिंग डिफरेंट लेकिन तब भी इंटरकनेक्टेड होते हैं मैथमेटिक्स की अपनी एक अलग लैंग्वेज है आप इंग्लिश की लैंग्वेज समझकर मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ सकते ऑल दो मैथेमैटिक्स पढ़ने के लिए इंग्लिश ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ अ लैंग्वेज आपको कोई लैंग्वेज तो जाननी ही होगी अगर आप किसी डिसिप्लिन को पढ़ने जा रहे हैं नॉट ऑल डिसिप्लिन आर क्रिएटेड इक्वल एंड डिसिप्लिन स्टडीज अगर डिसिप्लिन स्टडीज हैं इसका मतलब ए, इनका कभी कहीं ओरिजिन नहीं हुआ यह हमेशा से चलती आ रही है और हमेशा से चलती ही रहेंगी क्लियर आने वाले और साइंटिस्ट नई थ्योरीज देते रहेंगे पुराने वालों को गलत करते रहेंगे और हम नए वालों को सही मान कर चलते रहेंगे फिर कोई नया आएगा उसको गलत कर देगा एंड दिस गोज़ ऑन तो डिसिप्लिन का एम क्या है कि वो अनडिसिप्लिन रहे मतलब कि वो कभी भी ख़त्म ना हो वो चलता रहे उसकी रिसर्च होती रहे उसके बारे में हम जितना जान सकते हैं हमेशा जानते रहें क्लियर और सब डिसिप्लिन से इक्वल नहीं होते ठीक है साइंस uh, के वर्ड में हमने देख लिया हर एक की शुरुआत कहीं से हुई है आप कहीं और पहुंच चुके हैं लेकिन एक्सपर्ट नॉलेज सबकी अपने डोमेन की डिफरेंट होती है तो हम सबको इक्वल नहीं मान सकते हर एक को पढ़ने के लिए हमें अलग तरीकों का यूज़ करना पड़ता है क्लियर बात एक छोटी सी बात कर लेते हैं भैया स्कूल सब्जेक्ट और डिसिप्लिन मेरे सब्जेक्ट ही होते हैं तो स्कूल सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के सब्जेक्ट में फ़र्क क्या है सबसे पहले बात करें एम ऑफ एजुकेशन में तो स्कूल सब्जेक्ट का एम होता है बच्चे के अंदर बेसिक स्किल्स आ जाए ताकि अगर आगे जाकर बच्चा कुछ और भी करना चाहता है तो उसके पास उतने बेसिक स्किल्स हों जो उसे कुछ और करने में भी मदद दे इफ़ द पर्सन वॉन्ट्स टू ओपन द शॉप किसी का, का काम करना चाहते हैं चाहे वो आपका सब्जी का काम हो कपड़ों का काम हो या किसी भी चीज़ का काम हो तो उन्हें बेसिक स्किल्स उनके अंदर आ चुके हैं एंड दैट स्कूल सब्जेक्ट्स आर प्रोवाइडिंग दैट जबकि एकेडमिक डिसिप्लिन एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज दे रहा होता है एक चीज़ के बारे में जहाँ आपको रिसर्च में जाना रहेगा नेचर ऑफ़ कंटेंट की बात करें तो स्कूल लेवल पर नेचर बहुत सिंपल होता है सिंपल आइडियाज़ की बात होती है जबकि अगर हम बात करें एकेडमिक डिसिप्लिन की तो वहाँ हमारे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट आ जाते हैं इफ़ यू टॉक अबाउट करिकुलम कंस्ट्रक्शन तो भाई यहाँ पर एक बच्चे की ज़रूरत को ध्यान में रखकर करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है जबकि एकेडमिक डिसिप्लिन पूरा का पूरा स्किल डेवलपमेंट पर फोकस होता है स्किल्स किस तरह डेवलप किए जा सकते हैं उस पर फोकस्ड होता है एरिया ऑफ ऑपरेशन बताएं तो भैया स्कूल सब्जेक्ट्स स्कूल तक ही लिमिटेड रहते हैं लेकिन एकेडमिक डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी पर चला जाता है और डेवलपमेंट फेज जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं वो बच्चे की जिंदगी में पहले आते हैं और अकेडेमिक जो सब्जेक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन है वो बच्चे की लाइफ में बाद में एंटर करता है नेचर ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो बच्चा यहाँ सिलेबस जानता है एक्सपीरियंस लेता है असेसमेंट होता है बच्चे का यही सब है और अगर हम बात करें एकेडमिक डिसिप्लिन में रिसर्च कर सकता है बच्चा पब्लिकेशंस करा सकता है अपने खुद के काम की इंडिपेंडेंट वर्क या अपने ग्रुप वर्क की और पब्लिकेशंस कराने के लिए आपको उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होना ज़रूरी है आपकी सोच उस सब्जेक्ट में डूबनी जरूरी है अगर आप डूब नहीं पाएंगे सब्जेक्ट में तो आप उसके पार भी नहीं लग पाएंगे ठीक है ना यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक मैथड होता है जबकि यहाँ पे एनालिटिकल मैथड होता है जिसमें इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है यहाँ बच्चा इंक्वायरी कर रहा होता है और सीख रहा होता है और सिखाने की राह पर होता है यानी कि रिसर्च करने पे होता है क्लियर तो एकेडमिक डिसिप्लिन आपको समझ में आ गया होगा होता क्या है इसके नीड क्या है इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आपको आगे के टॉपिक्स हमारे साथ पढ़ने हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल सब्सक्राइब टू आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आर वीडियोज दैट्स ऑल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए बाय टेक केयर